नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 90। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं राजस्थान की। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वसुंधरा सरकार की, तो वसुंधरा राजे पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से वोटर्स को लुभाया जाए, कैसे जो है जनता का विश्वास जीता जाए। जी हाँ, तमाम तरह की कोशिशें करने में जुटी हैं वसुंधरा राजे। लेकिन आपको बता दूं कि जो एक खबर आई है राजस्थान से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि देखिए, बीजेपी के बागी एमएलए का शाह को खत, वसुंधरा को हटाने की मांग। बीजेपी के एक बागी एमएलए हैं, उन्होंने अमित शाह को खत लिखा है जिसमें उन्होंने वसुंधरा राजे को हटाने की मांग की है। रिपोर्ट्स की तरफ अगर मैं रुख करता हूं, देखिए बीजेपी इन दिनों मुश्किलों का सामना कर रही है। असली मुश्किल विपक्ष नहीं बल्कि उसके अपने ही विधायक और सांसद खड़ी कर रहे हैं। अब तक बीजेपी के ही 4 दलित सांसद अपनी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। अब राजस्थान से बीजेपी के बागी विधायक भी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यानी कि अब जो राजस्थान से बीजेपी के जो बागी विधायक हैं, वो ही पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में बीजेपी के बागी विधायक घनश्याम तिवारी ने पार्टी अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की। तिवारी ने यह मांग की कि जनता के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि वसुंधरा राजे को हटाया जाए। आपको मैं बता दूं, देखिए वसुंधरा राजे वैसे ही मुश्किलों में घिरी हुई है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं वसुंधरा सरकार की, तो वसुंधरा राजे ने राजस्थान में ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसे कह सका कहा जाए या कह सकते हैं कि काम किया हो। जी हाँ, दरअसल आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसान अभी भी जो है परेशान है, किसान अभी भी जो है अपनी बात रखने के लिए जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और युवा वर्ग की हम बात करते हैं तो वो भी परेशान है। तो जिस तरह से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, इस तरह की वसुंधरा सरकार की कामकाज की शैली पता चलती है कि आखिरकार वो क्या काम कर रही है। और देखिए, जनता का गुस्सा था, जी हाँ जनता का गुस्सा अभी भी है बीजेपी के प्रति, और जनता ने अपनी देखिए गुस्से में ही जो है जिस तरह से बीजेपी को उपचुनाव में हरा दिया, और उन्हें जो है कह सकते हैं कि अपना फैसला सुना दिया, तो इससे देखिए बीजेपी ने कोई सबक नहीं लिया। जी हाँ, वसुंधरा राजे ने कोई सबक नहीं लिया। और आपको बता दूं कि सबक नहीं लेने के कारण ही जो है अभी भी जो है वो कोई ढंग का काम नहीं कर रही है, सबक नहीं लिया है। और ऐसे में देखिए, अगर वो जनता के लिए बेहतर ढंग से काम नहीं करती हैं और लोगों की परेशानियां नहीं सुनती हैं, जो किसान हैं उनकी परेशानियां नहीं सुनती हैं, तो ऐसे में देखिए जाहिर सी बात है कि जनता का गुस्सा होना लाजमी है। और जनता देखिए अपना फैसला तो एंड वक्त पर ही सुना देती है। जी हाँ, जनता अपना फैसला एंड वक्त पर ही सुना देती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जिस तरह से उपचुनाव के दौरान जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो विधानसभा चुनाव पर भी वसुंधरा राजे के साथ साथ जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की निगाहें भी टिकी हैं कि अब की बार क्या नतीजा होगा विधानसभा चुनाव का। क्योंकि देखिए जिस तरह के समीकरण निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े बता रहे हैं, तो इससे देखिए बीजेपी की नैया जो है राजस्थान में डूबती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है, और जिस तरह की देखिए वहाँ की स्थिति है राजस्थान की, उसको देखते हुए भी ये कहा जा रहा है कि अब की बार कांग्रेस बाजी मार सकती है। जी हाँ, दरअसल ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं सचिन पायलट, वो काफ़ी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, विधानसभा का चुनाव जीतने के। हालांकि जब उपचुनाव हुए थे उस दौरान सचिन पायलट को राहुल गांधी ने बधाई दी थी। जी हाँ, राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बधाई दी थी और उनकी मेहनत पर जो है गर्व भी कहा था, गर्व भी जताया था, तो यानी कि प्राउड फील हुआ राहुल गांधी को। और ऐसे में देखिए अब सचिन पायलट फुल मूड में हैं और पूरी तरीके से उन्होंने इंतज़ाम किए हुए हैं, और जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों की परेशानियों को जानना चाह रहे हैं और वसुंधरा सरकार पर तंज कस रहे हैं, सरकार की लापरवाही गिनवा रहे हैं,
तो ये सब चीजें दर्शाता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आगे है सचिन पायलट। और कहीं ना कहीं देखिए राहुल गांधी भी अगर बात करते हैं तो युवा वर्ग के जो लोग हैं, युवा नेता हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जो युवा नेताओं जो युवा नेता हैं उनकी एक अलग टीम बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर देखिए जो देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है। और देखिए मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट पूरी पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। जी हाँ, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से जा जाकर मुलाकात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बकायदा सरकार की गलतियां गिनवा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है किस तरह से सचिन पायलट जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, यानी कि वो कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते। और जिस तरह का उनके अंदर एक्टिवनेस नजर आ रहा है उससे तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अब की बार मुख्यमंत्री जो है वही बनेंगे। और जिस तरह से देखिए वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी दर्शाता है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके अंदर किस तरह की एक अलग ही ऊर्जा जो एनर्जी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए अगर हम विधायक की बात बात कर लेते हैं तो बागी विधायक ने जिस तरह से अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और बकायदा बताया भी है कि वो जो है कि वसुंधरा को हटाया जाए। देखिए 4 पेज की चिट्ठी में विधायक घनश्याम ने वसुंधरा राजे पर व्यक्तिगत लाभ के लिए पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और राज्य सरकार को धन उगाही करने वाले लोगों का समूह बताया। देखिए 4 पेज की चिट्ठी लिखी गई है और 4 पेज की चिट्ठी में जो बताया गया है वो वसुंधरा सरकार को लेकर बताया गया है, वसुंधरा राजे के लेकर बताया गया है। तो ऐसे में देखिए हो सकता है कि अब की बार जो है जिस तरह से अमित शाह के पास चिट्ठी गई है तो वो कोई बड़ा फैसला ले ले। जी हाँ, बड़ा फैसला ले ले। और साथ ही साथ देखिए पीएम मोदी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, या हो सकता है कि अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे को जो है मैदान में ना उतारा जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, या हो सकता है कि बीजेपी कोई अलग चेहरा लेकर आ जाए मुख्यमंत्री के लिए। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब वसुंधरा सरकार की तो कह सकते हैं ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। और जिस तरह से नेता जो है वो कह सकते हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सही नहीं है और धन लाभ के लिए वो उन्होंने सत्ता का गलत इस्तेमाल किया है, ये तो बाद में पता चलेगा छानबीन के दौरान, या फिर जब पूछा जाएगा बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूछेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं दोबारा रुख करता हूँ, विधायक ने राज्य सरकार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया, साथ ही हालात की जानकारी देते हुए कार्रवाई ना करने को लेकर पार्टी अध्यक्ष पर भी सवाल उठाया। यह पहली बार नहीं जब विधायक ने मुख्यमंत्री खिलाफ मोर्चा खोला है, वह पहले भी कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को निशाना बना चुके हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस भी मिल चुका है, उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस भी मिल चुका है। और जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि वसुंधरा सरकार की, तो जनता तो परेशान है ही, और जनता तो है ही परेशान, लेकिन नेता भी परेशान है और नेता भी वसुंधरा सरकार से खफा है। तो यहाँ पर जिस तरह की देखिए बात भी कही है कि कई मुद्दे को लेकर राज्य सरकार का निशाना बना चुके, इसके लिए पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस भी मिल चुका है, पार्टी की ओर से बकायदा नोटिस भी मिला है, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों पर अड़े हुए। तो ऐसे में देखिए जो मुख्यमंत्री की बात चल रही है, और जिस तरह से देखिए चुनाव का घमासान है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों कोशिशें कर रही हैं कि आखिरकार चुनाव कैसे जीता जाए, दोनों ही देखिए इस जुगलबंदी में लगी हैं कि कैसे वोटर्स को लुभाया जाए, कैसे जो है वहाँ युवा वर्ग के लोगों को लुभाया जाए। और देखिए इसके लिए वसुंधरा राजे काफ़ी कोशिशें भी कर रहे हैं। जी हाँ, बीते कुछ समय पहले एक जनसभा की थी उन्होंने, और उसमें जो है उन्होंने कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया था। तो ऐसे में देखिए वो भी कोई ढिलाई नहीं बरत रही है, वो भी पूरी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन फैसला तो जनता को करना होता है, जनता बताती है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनना है किसे नहीं बनना है, क्योंकि वोट तो जनता को ही करना होता है।
तो वैसे में देखिए, जनता को नाखुश करके सरकार खुश नहीं रह सकती। अब कोशिश ये करनी होगी वसुंधरा राजे को कि जनता को खुश किया जाए। अगर जनता को वो खुश नहीं कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि अब की बार मुख्यमंत्री वो नहीं बल्कि सचिन पायलट होंगे। जी हाँ, और अब की बार बीजेपी की सरकार राजस्थान से जा सकती है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।